गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर। हमारा टॉपिक है सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इन्वर्टर होता क्या है। देखिए, नॉर्मली इन्वर्टर क्या काम करता है, वो डीसी को क्या करता है, एसी में चेंज करता है। जब हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं तो वो हमारा होता है रेक्टिफायर। जब हम डीसी को एसी में चेंज कर रहे हैं तब भी वो है हमारा इन्वर्टर। ये देखिए, हमारा एक सिंपल सा इन्वर्टर का सर्किट है। देखिए, ये आपकी सोर्स वोल्टेज है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, VS/2 और VS/2। ये आपका लोड है, ये आपका D1 है डायोड, यहाँ D2 डायोड है, और यहाँ पे आपका एक ट्रांजिस्टर Q1 है और एक ट्रांजिस्टर Q2 है। अब देखिए इसमें होता क्या है। देखिए, कुछ टाइम के लिए हमारा जो डायोड, ये ट्रांजिस्टर है Q1, वो ऑन रहता है। फिर उतने ही टाइम के लिए हमारा डायोड, ये ट्रांजिस्टर Q2 ऑन रहता है, और हमें यहाँ ये रेजिस्टेंस पे, या कह सकते हैं आप लोड पे, वोल्टेज या आउटपुट मिलता है। देखिए, जब हमारा Q1 ऑन होता है तब क्या होता है, VS/2। अब देखिए, इस टाइम क्या है, Q2 हमारा ऑफ है, तब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये हाफ सर्किट काम करेगा और ये हाफ सर्किट आपका कट ऑफ हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा, जो आपका लोड है उस पर क्या है, वोल्टेज मिलेगा VS/2। कैसे, देखिए, यहाँ से करंट जाएगी और यहाँ से पास होते हुए इधर से हो जाएगी। तब देखिए, ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव। कब, जब ये Q1 आपका ऑन है। फिर क्या होता है, Q1 ऑफ हो जाता है और Q2 ऑन होता है। उस टाइम क्या हो रहा है, हमें VS/2 R पे मिलेगा। कैसे, यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से क्रॉस होते हुए फिर इधर से जाएगी, फिर इधर से। लेकिन देखिए, दोनों में एक डिफरेंस है। जब हमारा Q2 ऑन हो रहा है तब हमारा जो पॉजिटिव है वो क्या है, इस साइड से कनेक्टेड है और नेगेटिव इस साइड से। तो देखिए, हमारा वेवफॉर्म देख लीजिए। जब हमारा Q1 ऑन है तब क्या हमें मिल रहा है, VS/2। कितने के लिए, T0/2। T0 क्या है, हमारा टोटल टाइम है। हाफ टाइम के लिए हम Q1 को ऑन कर रहे हैं और हाफ टाइम के लिए Q2 को ऑन कर रहे हैं। हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, VS/2। कितने टाइम के लिए, T0 के लिए। जब Q1 ऑन है तब देखिए, ये साइड आपका पॉजिटिव है और ये साइड आपका नेगेटिव है। ये देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा है। जब आपका Q2 ऑन है तब क्या है, ये साइड आपका पॉजिटिव है और ये साइड आपका नेगेटिव है। इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, दोनों पॉजिटिव वोल्टेज भी मिल रहा है और नेगेटिव वोल्टेज भी मिल रहा है। देखिए, ये क्या है, जब हमारा Q1 ऑन है उस टाइम क्या है, हमारा Q2 ऑफ है, तो यहाँ से कोई करंट इसमें नहीं मिल रही है। अब देखिए, जब Q2 ऑन है तो यहाँ पे क्या है, Q1 है और यहाँ पे हमारा Q2 है, फिर यहाँ पे क्या है, हमारा Q1 है। दोनों का रिजल्टेंट क्या बनता है, ये देखिए, VS/2 R। ये देखिए, जब Q1 ऑन है तो हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है, जब Q2 ऑन है तो हमें नेगेटिव वोल्टेज मिल रही है, फिर Q1 ऑन है फिर हमें पॉजिटिव, फिर Q2 ऑन है फिर हमें नेगेटिव। इस तरह से हमारा सर्किट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वोल्टेज को एक एसी में चेंज कर रहा है। देखिए, ये क्या था, जब हमारा रेजिस्टिव लोड है, जब वही लोड हमारा इंडक्टिव हो जाता है तब देखिए क्या है, जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो थोड़ा सा स्लाइट हो जाता है। कहने का मतलब, एग्जैक्टली तुरंत नहीं बढ़ता है हमारा वोल्टेज, वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, जब हमारा ये इंडक्टिव लोड हो जाएगा तब क्या है, एक बार Q1 जब ऑफ हो जाता है या Q1 ऑन हो रहा है तब हमारा लोड तुरंत नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमारा देखिए कौन सा काम करेगा, यहाँ पर सिर्फ D1। इस टाइम देखिए, जैसे ही Q1 ऑन हो रहा है तो लोड आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे आपका जब VS/2 तक पहुँचेगा उसके बाद क्या हो जा रहा है, ये Q1 ऑफ हो जा रहा है और Q2 ऑन हो रहा है। तो उस टाइम तक क्या हो रहा है, कुछ देर तक आपका
डायोड डी टू से जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो मूव कर रही है, उसके बाद फिर से आपका क्यू टू ऑन हो रहा है। इस तरह से हमारा इंडक्टिव लोड में हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है। अब आइए देखते हैं सर्किट जो हमारा मेन टॉपिक है, सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। ये देखिए हमारा सर्किट डायग्राम है सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर का। यहाँ पे एक सेक्शन देखिए, ये वाला सेक्शन नहीं है, ये जो है ये गलत बन गया था, ये वाला सेक्शन नहीं है, बाकी का एज इट इज़ है। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा चार ट्रांजिस्टर लगे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 और डायोड भी चार लगे हैं, D1 D2 D3 और D4। देखिए हमारे दो ट्रांजिस्टर एक साथ वर्क करेंगे, Q1 Q2 मतलब एक पेयर है Q1 Q2 और एक पेयर है Q3 Q4। इन दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में ऑन करते हैं, किसको किसको, Q1 और Q2 को। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वोल्टेज है, दो बैटरी एक तरह से है, VS/2 VSB/2, तो टोटल हमारा हो गया VS। अब देखिए जब हमारा पहले हाफ साइकिल में T0/2 टाइम के लिए Q1 और Q2 ऑन है, तो उस समय क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए करंट फ्लो करेगी, Q1 हमारा ऑन है इसलिए यहाँ से करंट जाएगी, देखिए इधर से और इधर से करंट नहीं जा सकती, और Q3 भी ऑफ है इसलिए यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ से करंट आपकी स्टार्ट हुई, ये Q1 से होते हुए फिर जाएगी आपके लोड में। देखिए Q4 और Q3 इस टाइम ऑफ है, तो ये करंट यहाँ से होते हुए Q1 से होते हुए जाएगी लोड में। अब देखिए हमारा Q2 भी साथ में ऑन है, तो यहाँ से आपका करंट नीचे जाएगी और फिर इधर से देखिए यहाँ पे भी नहीं जा सकती, यहाँ पे भी नहीं जा सकती, ये भी आपका ऑफ है, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे। और हमें वोल्टेज कितना मिलेगा, Vs, टोटल वोल्टेज मिल रहा है, ये दो हैं VS/2 VS/2, तो टोटल हो जाएगा आपका Vs। इस टाइम क्या है, Q1 और Q2 ऑन थे, जब आपका देखिए इस टाइम क्या हो रहा था, आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही थी, कहने का मतलब है ये आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है। अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, जब Q3 और Q4 ऑन हो जाएंगे, तब देखिए क्या हो रहा है, देखिए करंट यहाँ से जाएगी, आपका Q1 और Q2 उस टाइम क्या है, ऑफ कंडीशन में, जब Q3 और Q4 ऑन है उस कंडीशन में क्या है, ये करंट देखिए इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, जाएगी पहले Q3 में, यहाँ से करंट होते हुए लोड से होते हुए फिर क्या जाएगी Q4 में और फिर यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए दोनों हाफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, पहले में क्या था, पॉजिटिव साइन इधर था, नेगेटिव साइन इधर था, लेकिन जब Q3 और Q4 ऑन है तब हमारा ये साइड आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइड होगा नेगेटिव। कहने का मतलब है हमें वोल्टेज मिल रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। देखिए ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म है जब आपके Q1 और Q2 ऑन है, तब क्या है, हमें Vs मिल रहा है T0/2 टाइम के लिए, उस समय क्या है Q1 और Q2 ऑन है इतने टाइम तक। उसके बाद क्या है, हमारे इस टाइम Q3 और Q4 ऑन हो रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, माइनस Vs। जब Q1 और Q2 ऑन है तब हमें क्या मिल रहा है, प्लस Vs, और जब Q3 और Q4 ऑन है तब क्या हमें मिल रहा है, माइनस Vs। अब देखिए ये केस का था रेजिस्टिव टाइप लोड के लिए, जब इंडक्टिव आ रहा है तब देखिए हमारे D1 और D2 D3 और D4 का वर्क स्टार्ट हो जा रहा है। इसमें क्या है, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ D1 और D2 वर्क करेंगे और लोड के अंदर जो एनर्जी है इंडक्टेंस की उसको क्या करेंगे, उससे करंट को फ्लो कराएंगे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 ऑन हो रहा है, जैसे Q1 Q2 ऑन होगा तो करंट वोल्टेज आपकी बढ़ना स्टार्ट कर रही है, और जैसे Q1 Q2 ऑफ होगा फिर आपके D3 और D4 वर्क करेंगे, फिर आपका Q3 और Q4 वर्क करेंगे। इस तरह से आपका सर्किट पूरा AC को DC को क्या कर रहा है, AC में चेंज कर रहा है।